जो उनकी आंखों से बयां होते हैं वो लफ्ज किताबों में कहाँ होते हैं, किसी ने क्या खूब कहा है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं अनस। इश्क के बारे में कहा जाता है कि इश्क इंसान को आशावादी बना देता है। लोगों को पतझड़ के मौसम में भी सावन नजर आने लगता है, वादियाँ खूबसूरत लगने लगती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इश्क के ऐसे ही खूबसूरत मौसम में हम आपके लिए एक बड़ी शानदार कहानी लेकर के आए हैं। ये कहानी है बीजेपी के दिग्गज नेता शाहनवाज हुसैन की, शाहनवाज हुसैन और रेनू की। शाहनवाज हुसैन मुस्लिम, रेनू हिंदू, लेकिन ये प्यार का सफ़र शाहनवाज हुसैन का इतना आसान नहीं था। इसके लिए उनको कई पापड़ बेलने पड़े थे। जी, हुआ यूं कि साल 1986 में शाहनवाज ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान डीटीसी की बसों से सफ़र किया करते थे। बस में ही एक दिन उन्हें एक लड़की दिखी, जिसको देखते ही वो फिदा हो गए। लेकिन कुछ ही मिनटों में वो लड़की कहीं खो गई। शाहनवाज की नज़रें उसे लगातार तलाशती रहीं और कुछ दिनों बाद फिर शाहनवाज को वो लड़की बस में मिल गई। शाहनवाज ने लड़की को फॉलो करना शुरू किया और एक दिन लड़की को बस में जगह नहीं मिली लेकिन उन्हें मिल गई, तो उन्होंने उसे अपनी सीट दे दी। इसी तरह बातचीत शुरू हुई और शाहनवाज एक दिन उसी लड़की के घर पहुंच गए और घर वालों से दोस्ती कर ली। इश्क की चोट का कुछ दिल पे असर हो तो सही, दर्द कम हो या ज्यादा हो तो सही। दोस्ती होने और मोहब्बत के इजहार होने में फर्क तो होता ही है। बातचीत से घर वालों को इम्प्रेस किया लेकिन असली बात करने में हिचकिचाहट होती थी। जाहिर सी बात है, कोई भी डरेगा, लेकिन अंत में उन्होंने ठान लिया कि अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी करेंगे। तो उन्होंने उसे अपने दिल की बात बता दी। कुछ दिनों बाद एक रिश्तेदार के यहाँ पार्टी हुई, जिसमें दोनों पहुंचे तो बातों ही बातों में उन्होंने लड़की को अपने दिल की बात बता दी। लेकिन ये सुनते ही लड़की भड़क गई और कहा कि दोनों के धर्म अलग है, शादी मुमकिन ही नहीं। वसीम बरेलवी का एक शेर है, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। अलग धर्म की बात सुनकर शाहनवाज हुसैन को बड़ा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने शादी करने की ठान ली थी और हिम्मत नहीं हारी। लोग बताते हैं कि उनको कम से कम 9 साल तक का इंतजार करना पड़ा इसके लिए। आखिरकार प्यार को मंजिल मिली और वो लड़की शाहनवाज की जिद के आगे झुक गई और 9 साल की इस प्रेम कहानी में प्यार की जीत हुई और दोनों की शादी हो गई। आज वही बस वाली लड़की रेनू शाहनवाज हुसैन की पत्नी है और इस जोड़े की मोहब्बत की तारीफ आज भी हर कोई करता है। उम्मीद करते हैं आपको बिहार तक की हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो आप हमको सब्सक्राइब करना न भूलें।